दोस्तों, ये एक रीजन का डिले आ रहा है। इसका प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हार्ड डिस्क जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। आप देखते हैं मैंने सप्लाई देर की है, एक एलईडी जल रही है लेकिन हार्ड डिस्क वाली एलईडी नहीं जल रही है, और इस पर सप्लाई हल्की से आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, इस पर रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है रेड वाली, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क पर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रही है। एक बार और चेक कराते हैं, इसको मैं डायरेक्ट ऑफ करता हूँ और सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देते ही इस हार्ड डिस्क में तुरंत वाइब्रेट होती है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन फिर बंद हो जाती है। इसका प्रॉब्लम क्या है वो एक्चुअली हम दिखाते हैं। इसको मैं सेटिंग में भी दिखा देता हूँ कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, जिससे रिकॉर्डिंग ये भी सही से नहीं कर पा रही है। कस्टमर हमें कॉल करके बार बार यही पूछ रहा था कि इसमें रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती। मैंने सभी चेक किया, हार्ड डिस्क में देखा तो हार्ड डिस्क 0 MB नॉट एग्जिस्ट रॉ डेटा, यही आ रही है बार बार। मैंने हार्ड डिस्क भी चेंज करके देख लिया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर बाद में मैंने देखा इसमें जो चार्जर जो लगा हुआ है एक्चुअली वो इसमें चार्जर दूसरा कंपनी का लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बंद करके, ये देखिए ये चार्जर लगा हुआ है नॉर्मल, इसमें देख लीजिए आप, इसमें 12 वोल्ट 1 एम्पीयर लिखा हुआ है। देख सकते हो तो 12 वोल्ट 1 एम्पीयर, जबकि इसको चाहिए कम से कम, इसमें देखो हार्ड डिस्क लगी हुई है 2 TB, कम से कम आपको 2 एम्पीयर का देना पड़ेगा चार्जर की, ताकि सप्लाई प्रॉपर आ सके। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसमें आपको मैं वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। वोल्टेज मैंने चेक किया, सही आ रहा है 12 वोल्ट 5 वोल्ट, लेकिन फिर भी ये ऑपरेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका एम्पियर जो है वो कम आ जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास नया तो चार्जर नहीं है, दूसरा अडेप्टर फिलहाल मेरे पास एक अडेप्टर है पुराना, एक दूसरा है। इसमें हम देखते हैं 12 वोल्ट और 1500 mA यानी 1.5 एम्पीयर का है, 1 एम्पीयर से आधा एम्पीयर ज़्यादा है। हम एक बार इसको चेक करते हैं, तो इसका जो कनेक्टर है वो तो दूसरा है, तो हम इसी को कटिंग करके इसमें जोड़ देते हैं और फिर इस पर सप्लाई देख के देखते हैं। ठीक है, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये देखो कटिंग कर पावर रिलेटेड और हार्ड डिस्क के रिलेटेड चलने के लिए साथ में हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो गया उसका और डिस्प्ले में देखिए उसका रिकॉर्ड रिस्टार्ट हो जाएगा और हार्ड डिस्क भी शो हो जाएगी। देखिए आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं मैंने जाता हूँ।
दोस्त, कोई भी जैसे अगर हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुई तो आप डायरेक्ट हार्ट बीट को ऑल्टर नहीं कह सकते हैं। पहले आप चेक कीजिए कि हार्ट बीट आपका वाइब्रेट हो रहा है नहीं हो रहा, सप्लाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं, सप्लाई आ रही है, वाइब्रेट हो रहा है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हार्ट बीट खराब है। ठीक है, तुरंत नहीं कह सकते। हार्ड डिस्क में अगर वाइब्रेट नहीं हो रही है तो आपको सप्लाई चेक करना है, सप्लाई आ रही है तो ये डाटा केबल चेक करना है, डाटा केबल चेंज करके देखिए, उससे भी नहीं होता है तब आप इसका अडेप्टर का वोल्टेज चेक कीजिए, मतलब इसका एम्पियर देखिए कौन सा अडेप्टर ओरिजिनल लगा हुआ है या मतलब दूसरा कोई चेंज किया हुआ है। 1.5 एम्पियर कम से कम चाहिए इसको, उससे ऊपर कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।